दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और प्रेस करें बेल आइकन को मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जावास्क्रिप्ट में कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे स्क्रिप्ट में मैं लिख देता हूँ पहले एक वेरिएबल, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ वेर और यहाँ पे वेरिएबल नेम लिख देता हूँ मैं एस। ठीक है, और उसमें डिफाइन कर देता हूँ 5 और एक और वेरिएबल ले लेता हूँ बी और उसमें मैं डिफाइन कर देता हूँ 5। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास दो वेरिएबल है और उस दोनों वेरिएबल की वैल्यू है 5। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसका एडिशन करता हूँ। ठीक है, तो आपको मैं बताया था कि प्रिंट करवाने के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट। ठीक है, राइट में मैं लिख देता हूँ एडिशन इज, यानी कि टोटल है वो। ठीक है, एडिशन इज, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ प्लस, जो ये यहाँ पे लिखा है मैंने प्लस, यानी कि कॉन्केटिनेशन। और यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख सकता हूँ एस प्लस बी, यानी कि एस प्लस बी, यानी कि इन दोनों वेरिएबल का टोटल। ठीक है, इन दोनों वेरिएबल का टोटल। तो यहाँ पे मैं इसे सेव करता हूँ और आउटपुट पे जाके रिफ्रेश करता हूँ, तो अब आपके सामने ये आ चुका है। अगर आपको ये मेथड ठीक नहीं लगे, अगर आप यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो कि ये दो स्क्वायर ब्रैकेट है, तो यहाँ पे दो स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है फ्रेंड्स, यानी कि एस और बी का जो मैंने काउंट किया है उसके लिए मैंने एक ब्रैकेट लगाया है। अगर मान लो मैं ब्रैकेट निकाल देता हूँ तो यहाँ पे क्या होगा, ये दोनों वेरिएबल है वो प्रिंट हो जाएंगे ना, दोनों वेरिएबल है वो प्रिंट हो गए। ठीक है, 5 और 5, इसलिए मैंने इन दोनों को सेपरेटली एक राउंड ब्रैकेट में लगा दिया था। ठीक है, अब आप देख सकते हैं 10। अगर आपको ये मेथड पसंद नहीं आती है तो मान लो मैं यहां से इसे निकाल देता हूं। ठीक है, तो यहां पे मैं एक और वेरिएबल ले लेता हूं। ठीक है, वे एक और वेरिएबल ले लेता हूं सी, उसके अंदर मैं उसके अंदर दोनों वेरिएबल को काउंट करवा देता हूं। ठीक है, यानी कि एस प्लस बी। ठीक है, इसके अंदर मैंने क्या काउंट करवा दिया, एस प्लस बी, यानी कि एस की वैल्यू क्या है 5 और बी की वैल्यू क्या है 5, उस दोनों को ये प्लस में एडिशन कर देगा। ठीक है, तो यहां पे मुझे क्या प्रिंट करवाना रहा, सी। ठीक है, तो यहां पे सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूं, एडिशन इज सी। ठीक है, तब इसे मैं अब कॉपी कर लेता हूं, इसे मैं कॉपी कर लेता हूं और पहले यहां पे क्या करता हूं, एक बी आर लगा देता हूं ताकि ये एक दूसरे के नीचे रहे। ठीक है, एक नई लाइन से शुरुआत हो रही है इसकी। ठीक है, अब यहां से इसे मैं कॉपी कर लेता हूं और पेस्ट और पेस्ट और पेस्ट। यहां पे पहला क्या है, जैसे एडिशन था, दूसरा है सब्ट्रैक्शन, तो यहां पे भी मुझे सब्ट्रैक्शन लिखना पड़ेगा, सब्ट्रैक्शन। और यहां पे मैं लिख देता हूं मल्टीप्लीकेशन, और यहाँ पे डिवाइड, यानी कि डिवीजन भी मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, और सेव करके मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आपके सामने ये आ चुके हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे अभी कोई साइन है वो यहाँ पे चेंज नहीं की थी। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन पे ये अब आप देख सकते हैं, एडिशन 10 हो गया और 5 और 5 माइनस हो गया, यानी कि 0। मल्टीप्लिकेशन में क्या हुआ, 5 × 5 यानी कि 25 और डिवीजन में 515। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ऐसे भी तरह कैलकुलेशन करवा सकते हैं जावास्क्रिप्ट में। और मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि मैं यहाँ पे फिर से आ जाता हूँ, इसे मैं डिलीट कर देता हूँ, इसके पहले इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, एक डॉक्यूमेंट डॉट राइट को कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे इसे डिलीट कर देता हूँ। और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक वेरिएबल, यहाँ पे मैं ऐसे ही रखता हूँ वेरिएबल पे और दूसरे वेरिएबल में निकल देता हूँ और यहाँ पे पेस्ट करता हूँ।
यानी कि मैं लिखता हूं यहां पे स्क्वायर, ठीक है, स्क्वायर यानी कि s 5 × 5 यानी कि 5 का स्क्वायर किया हुआ तो 25, तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5 × 5 यानी कि मैं स्क्वायर को कैसे लिखता हूं यहां पे, ठीक है। तो यहां पे फिर से मुझे एक नया वेरिएबल लेना पड़ेगा, c वेरिएबल ले लेता हूं और उसके अंदर मैं स्क्वायर की जो मेथड है उसे मैं स्टोर करवा देता हूं, ठीक है, s इनटू s, ठीक है। तो यहां पे अब हो गया स्क्वायर, तो यहां पे मुझे क्या प्रिंट करना पड़ेगा, सिर्फ c। सेव करके मैं रिफ्रेश कर लेता हूं, तो स्क्वायर इज 25। और अगर क्यूब को मुझे प्रिंट करवाना है तो क्यूब को कैसे प्रिंट करवाएं, तो s इनटू s इनटू s यानी कि 3 बार s को मुझे मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देख सकते हैं आप क्यूब इज 125, ठीक है। अगर आप यहां पे कोई भी चेंज कर सकते हो, चेंज कर सकते हो यानी कि मैं यहां पे लिख देता हूं 10, तो यहां पे अब आप सेव करके रिफ्रेश भी कर सकते हो। अब मान लो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो ये आपने चेंज कहां पे किया, 10 यहां पे लिखा, आप यूजर के साथ यानी कि आप यूजर के पास से वैल्यू गेट करवाना चाहते हैं, जब आप रिफ्रेश करो अपने पेज को आउटपुट को, तो आपको क्या करना है कि आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाए और उसके अंदर आपको वैल्यू डालनी है, ठीक है। तो आपको क्या करना होगा, यहां पे इसे मैं सेव करता हूं, यहां पे मुझे लिखना होगा जो वेरिएबल है s उसमें यूजर के पास से मैं वैल्यू गेट करवानी है यानी कि वैल्यू यूजर डाले, ठीक है। तो हमें यहां पे लिखना पड़ेगा पार्स, क्या लिखना पड़ेगा, पार्स int ब्रैकेट और उसके अंदर हमें लिखना पड़ेगा प्रॉम्प्ट, क्या लिखना पड़ेगा हमें, प्रॉम्प्ट और उसके अंदर हमें जो मैसेज प्रिंट करवाना है, यहां पे मैं लिख देता हूं एंटर वैल्यू, ठीक है। तो जब हम यहां पे सेव करके रिफ्रेश करेंगे तो यहां पे हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा और उसमें मैन्युअली हमें वैल्यू एंटर करवाने का मौका मिल जाएगा, ठीक है। तो यहां पे मैं लिख देता हूं 5, तो एंटर करता हूं तो यहां पे क्यूब इज 125, ठीक है। फिर से मैं रिफ्रेश करता हूं, यहां पे मैं लिख देता हूं 3, एंटर कर देता हूं तो यहां पे क्यूब इज 27। तो यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहां पे इसका मतलब क्या है, पार्स int है वो फंक्शन है, वो यूजर के पास से हमें वैल्यू गेट करवाने में हेल्प करता है, ठीक है। और यहां पे है प्रॉम्प्ट और उसके अंदर जो मैसेज हमें चाहिए वो यहां से हम प्रॉम्प्ट की मदद से ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कैलकुलेशन और मैंने यूजर से गेट वैल्यू कैसे करवानी वो भी आपको सिखा दिए। तो अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर, बाय फ्रेंड्स।